बिग बॉस के घर में एल्विश यादव की एंट्री हो चुकी है और एंट्री करते ही उन्होंने सभी की क्लास लगानी भी शुरू कर दी है। सुबह का माहौल है भाई, चाय चाहिए सबको और एल्विश यादव किचन में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं अपनी चाय और कॉफी का। इसी बीच आते हैं फुकरा इंसान और एल्विश यादव उठा लेते हैं अरमान मलिक का मुद्दा। हालांकि बिग बॉस के घर में घर से बाहर की बातें करना अलाउड नहीं है, लेकिन ये सब आपस में मजाक कर रहे होते हैं। जहां मनीषा भी कहती हैं कि हाँ हाँ, इंस्टाग्राम पर एक बंदा है जो दो दो वाइफ रखता है, इस वजह से काफी फेमस है। और उसी बीच एल्विश यादव कहते हैं कि ये सही है, मैं भी दो नहीं, मैं एक नया ही रिकॉर्ड सेट करूंगा, मैं तो तीन तीन वाइफ रखूंगा। फुकरा इंसान कहते हैं कि भाई ये सही है, तुम्हारे पास कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी। आपको बता दें, अरमान मलिक जो हैं वो एक यूट्यूबर हैं, काफ़ी फेमस हैं यूट्यूब की दुनिया में और अपनी दो शादियों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। यूट्यूब पर अक्सर उनके व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग रहते हैं और इसी बीच हर कोई उनको जानता है। अगर मैं बात करूं बिग बॉस के घर में इन दिनों यूट्यूबर्स की, तो भाई एल्विश यादव, फुकरा इंसान, आशिका भाटिया जैसे तमाम बड़े चेहरे इन दिनों बिग बॉस OTT सीजन 2 के घर में धमाल मचा रहे हैं। और इसी बीच जब ये बात एल्विश यादव की तरफ से आई, तो एल्विश यादव और फुकरा इंसान काफ़ी ज़्यादा ठहाके भरकर हंसते नजर आए। दरअसल बात कुछ ऐसी होती है कि फुकरा इंसान एल्विश यादव की फैमिली के बारे में पता कर रहे होते हैं कि भाई तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, तो एल्विश बताते हैं कि हमने अभी नया घर लिया है एंड दिवाली तक हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और इसी बीच एल्विश यादव कहते हैं कि अभी तो हम चार ही लोग हैं, मैं, मम्मी पापा और दादी, लेकिन मेरी फैमिली भी तो बढ़ेगी ना। तो इतने में फुकरा इंसान कहते हैं कि अगर कभी कंटेंट की कमी पड़े तो भाई शादियाँ कर लेना। तो एल्विश यादव कहते हैं हाँ हाँ, लोगों ने तो दो कर रखी हैं, मैं तो भाई कुछ अलग करूंगा, मैं तो तीन तीन करूंगा। आपको बता दें, मनीषा रानी इस बात में एड ऑन करते हुए कहती हैं कि क्या तुम्हें पता है उस इंसान की जो वाइफ है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बनकर रहती हैं, बहनों की तरह, इनफैक्ट साथ में ही प्रेग्नेंट हुई थी। वेल फिर क्या, ये तीनों ही इस बात का मजाक बनाकर काफ़ी ज़्यादा हंसने खिलखिलाने लगते हैं। वेल आपको बता दें कि एल्विश यादव की एंट्री के बाद से ही बिग बॉस OTT सीजन 2 काफ़ी डिमांड में आ गया है। एल्विश यादव जो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं, उसका बिग बॉस OTT सीजन 2 को जमकर फ़ायदा हो रहा है। ऐसे में फैंस जो हैं लगातार एल्विश यादव को देखना चाहते हैं। और लाइव फुटेज की अगर मैं बात करूं, तो लाइव स्ट्रीम पर ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एल्विश यादव ने अरमान मलिक के बारे में क्या कहा वो तो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया, लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट, और बिग बॉस से जुड़ी हर अपडेट के लिए फिल्मी बीट और फिल्मी बीट OTT को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।